नागिन सेवन का बेसब्री से इंतजार करने वाली ऑडियंस के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्यों ना कि अब एकता कपूर ने अपनी नागिन सेवन के लिए लीड एक्ट्रेस को ऑलमोस्ट कंफर्म कर लिया है और अब नागिन सेवन के लीड एक्ट्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स ने नहीं बल्कि खुद एकता कपूर ने दी है। चलो जल्दी से आपको भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। एकता कपूर का नागिन सीरियल बहुत ही ज़्यादा मशहूर तरीन है और अपनी एक अलग ऑडियंस रखता है। यही वजह है कि जब से नागिन सिक्स का एंड और नागिन सेवन की खबरें आ रही हैं तब से इस ड्रामे के साथ इंडिया के बहुत सी खूबसूरत हसीनाओं का नाम जोड़ा जा रहा था, जैसे कि अंकिता लोखंडे, प्रियंका चहल चौधरी, ईशा मालविया और आयशा सिंह शामिल है। इसी दौरान अब एक और एक्ट्रेस का नाम इस नागिन सेवन की लिस्ट में जुड़ चुका है, जिसका नाम है जेनिफर विंगर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुनना से सुना। हाल ही में खुद एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने जेनिफर विंगर की तस्वीर के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, हैप्पी जेनी, वेटिंग टू हैव यू बैक ऑन दी सेट, जेनिफर विंगर। और इससे तो साफ यही लगता है कि एक बार फिर से जेनिफर विंगर एकता कपूर के नागिन सीरियल का हिस्सा बनने वाली हैं। और इससे पहले जेनिफर विंगर को ड्रामा इंडस्ट्री में लॉन्च भी आखिरकार एकता कपूर ने ही किया था। और उसके बाद जेनिफर विंगर बहुत से छोटे बड़े ड्रामों में एज अ लीड रोल और सपोर्टिंग रोल दोनों में पा चुकी हैं और लोग इसकी अदाकारी को काफ़ी पसंद भी करते हैं। और इसलिए अब इस पोस्ट से यही क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि इस साल नागिन सेवन की लीड एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जेनिफर विंगर ही हो सकती हैं। इससे पहले भी जेनिफर विंगर बेपना, बेहद, बेहद टू जैसे सुपरहिट शोज में एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। और क्या आप जेनिफर विंगर को एज अ नागिन सेवन के तौर पर लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक्स।